की वीडियो में बनाने वाले हैं हम घर पे ब्रेड पुडिंग, कैरेमल ब्रेड पुडिंग। अगर आप चाहते हैं ऐसी कैरेमल ब्रेड पुडिंग बनाना सीखना तो देखते रहिए वीडियो, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानोका किचन जी। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ ब्रेड कैरेमल पुडिंग की। तो ये किस तरह से बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ मैंने 6 अदद डबल रोटी के स्लाइस करके रखे हुए हैं और इनकी साइडें उतार दी हैं। ये मीडियम साइज़ की डबल रोटी है, हमने इसके 6 पीस लिए हैं और जिसकी साइडें उतारी हैं वो ज़ाया नहीं हम करेंगे, उसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे, किसी भी फ्राई की चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। तो 6 अदद 30 हैं डबल रोटी के। यहाँ हमने रखा हुआ है 1.5 कप दूध। ये जो दूध है ये ना ठंडा है ना गर्म है, ये उबला हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर ही आपकी पुडिंग अच्छी बन सकेगी। यहाँ मैंने रखा हुआ है 1/2 कप पिसी हुई चीनी, यहाँ रखी हुई है मैंने साबुत चीनी, इसका हम कैरेमल बनाएंगे। मैंने 5 टेबल स्पून लिए हैं या 1/2 कप लिया हुआ है। यहाँ मैंने रखा हुआ है वनीला एसेंस, इसके हम 2 से 3 कतरे इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ बस फ्लेवर के लिए। यहाँ रखे हमने 2 अदद अंडे, यहाँ रखा है मैंने इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे रखा है, और यहाँ मैंने रखा है बटर 1 टेबल स्पून बटर हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको अब हमने क्या करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हमने अपनी ब्रेड के जो पीस थे उसको चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से बारीक होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसे हमने चॉपर में बारीक कर लिया, इसे हम साइड पे करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें हमने अब डालनी हैं। सबसे पहले हमने इसमें अंडे तोड़ने हैं इस तरह से, अंडे तोड़ दिए हमने। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये चीनी पाउडर जो हमने किया हुआ था 1/2 कप ये हम डाल देंगे। ये चीनी इसीलिए हम लोगों ने पीस के रखी हुई है कि आसानी से मिक्स हो सके। और ये जो हमारा बटर था ये हमने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 कतरे जो है वनीला एसेंस के डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये एसेंस है तो बहुत ज़्यादा फिर तेज़ खुशबू आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपको 2 से 3 कतरे कहे हैं बस। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये 1.5 कप जो दूध है, ये दूध जो मैंने टेम्परेचर बताया है वो होना चाहिए, ऐसा ना आप ठंडा कर दें गर्म कर दें तो आपकी पुडिंग ख़राब हो जाएगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, दूध चीनी अंडे सब मिक्स हो जाएगा, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो मिक्स हो गया, अब हमने क्या करना है, अपनी ये जो ब्रेड है ये हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ सारी नहीं डालेंगे, इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, वैसे ही मिक्स होगी। अब हम बाकी की भी इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स हो करके इसे इस तरीके से इसे हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी सी हमारी पुडिंग तैयार हो जाए। तो ये मिक्स हो गया सारा अमेजा, इसे हम साइड पे रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, इतनी देर में हम अपना कैरेमल तैयार करते हैं। हमारा तैयार हो गया, इसे हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया। एक फ्राई पैन लेंगे हम और आंच को हम करेंगे हल्का, क्योंकि हम अपना कैरेमल बनाने लगे हैं। इसमें हम अपनी ये चीनी डाल देंगे, चीनी जो है वो फ़ौरन गल जाती है, इसलिए हमने इसको हल्की आंच में बनाना है, तेज़ पे नहीं बनाना। तो इस तरीके से हमने इसको हल्की आँच पर, चीनी जैसे ही पिघलती है आपको फिर बताते हैं कि कैरेमल किस वक्त रेडी होता है। चीनी जो हमारी है मेल्ट होना शुरू हो गई है, हमने हल्की आँच पर रखी हुई है, अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो आपका जो कैरेमल है यानी चीनी है वो जल जाएगी और आपकी पुडिंग की शक्ल अच्छी नहीं बनेगी, जले हुए की बनेगी। आप देख सकते हैं ये पिघल रही है। अच्छा, हमने बर्तन वो बर्तन तैयार रखना है जिसमें हमने ये कैरेमल डालना है, क्योंकि कैरेमल जो है फ़ौरन जम जाता है, तो इसलिए पहले से हम वो बर्तन रेडी रखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर आ रहा है, थोड़ी सी चीनी और मेल्ट हो जाए तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है, अच्छे से ये पिघल जाए, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अच्छा, जो हमने बर्तन लेना है वो कोशिश करें कि आप स्टील का लें, अगर स्टील का नहीं तो ऐसा बर्तन लें, पत्थर का लें, माइक्रोवेव वाला बर्तन लें, कांच का, क्योंकि हमने उसको स्टीम में रखना है। तो ये चीनी जो है वो मेल्ट हो गई, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब मैं इसे बर्तन में डाल लूँगा।
अपना ये कैरेमल जो है ये डाल देना है इस तरह से, और बहुत एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है आपके हाथों पे ना चिपक जाए। अब हमने क्या करना है, इस बर्तन को इस तरीके से घुमा देना है ताकि ये हर तरफ फैल जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब ये जम जाएगा तो इसमें अपना बैटर डालेंगे हम। हमने अपना कैरेमल डाल के इसमें रखा था, ये जम गया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अपने ये जो ब्रेड है इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा मिक्स करेंगे हम। इसको भी काफ़ी रेस्ट मिल गया है, इस तरह से इसको इसमें डालेंगे ऐसे, बिल्कुल हम साफ कर लेंगे इसको, इसको इस तरह से बराबर कर देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बर्तन स्टील का लीजिएगा या फिर कांच का माइक्रोवेव वाला बर्तन लीजिएगा, क्योंकि इसको हमने स्टीम में बनाना है। अब हमने एक फॉइल पेपर लेना है और इसको इस तरह से अच्छे से पैक कर देंगे बिल्कुल सील। ये हमने कर लिया, अब हम एक छुरी लेंगे, उसकी मदद से हमने इसमें इस तरह से सुराख कर दिए हैं। मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, अगर आप बाद में रखें तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह रखना है। हमने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, ये हमारा पुडिंग का हमेशा तैयार है, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो एक ऐसी पतीली लेंगे जिसमें से स्टीम हमारी निकल ना सके, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी रखा हुआ था, पानी हमारा खोलना शुरू हो गया है। अब हमने आँच को हल्का कर देना है, स्टीम बन गई है। इसमें मैंने एक स्टैंड रखा है और मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाल के रखा था। इसको आपने इतना पानी डालना है कि आपका ये जो स्टैंड है इससे ऊपर पानी ना आए, ये स्टैंड डूबना चाहिए। तो अब हमने बड़ी एहतियात के साथ अपना ये जो है इसमें रखेंगे हम। अगर आप पानी उसी वक्त रखते हैं तो पहले आँच तेज़ कर दीजिएगा और 5 मिनट आँच तेज़, ताकि आपकी अच्छे से स्टीम बन जाए, अंदर भाप बन जाए। अब हमने इसको बार बार हटाना नहीं है, अगर हम बार बार हटाएंगे तो हमारी पुडिंग ख़राब हो जाएगी। इसको मैंने अब हल्की आँच कर दिया है, 40 से 45 मिनट लगेंगे हमें इसको तैयार करने में। तो जब ये रेडी होती है मैं आपको दिखाती हूँ, आँच मैंने हल्की रख दी। तो 45 मिनट हो गए, हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसे निकाल के देखेंगे। ये देखें, एकदम से भाप निकली है, इस वक्त हाथ जलने का बहुत खतरा है। तो अब हमने क्या करना है, अपने ये फॉइल पेपर को एक साइड से आराम से उतारना है हमने, और चेक करना है, हमने बिल्कुल इसको एक दफ़ा भी नहीं छेड़ा है। अब हमने इसमें छुरी डालनी है, आइए देखें हमारी छुरी बिल्कुल सूखी आई है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ी एहतियात के साथ हमने बाहर निकालना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इसको गर्म गर्म को हम नहीं निकालेंगे, अभी थोड़ी देर इसको हम रख देंगे। इसे हमने बाहर निकाल के रख दिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक छुरी लेनी है और छुरी की मदद से इसको इसकी साइडें जो है इस तरीके से हम लैदा कर देंगे ऐसे। थोड़ा सा ठंडा किया है हमने, बिल्कुल यानी बाहर ही रखा हुआ था, ये सारा हमने हिला लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, अच्छा ये अभी भी गर्म है नीचे से इसका बर्तन, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे और इसको ऊपर से हमने इस तरह से टैप करना है ताकि ये चिपका हुआ ना रहे, अच्छे से निकलना ऐसे। अब इसे हम हटाएंगे, ये आप देख सकते हैं, इसे अभी हम थोड़ी देर रखा रहने देंगे, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, इसकी बाद में मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और आसान कैरेमल ब्रेड पुडिंग। आप भी बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, और क्या कहते हैं, अगर एकदम से मेहमान आ जाए फ़ौरन से ये बनाइए, घर में डबल रोटी तो होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।